जयंत चौधरी से, जहां पर एनडीए की बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। ऐसे में चौधरी चरण सिंह के नाम का ऐलान किया गया है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, भारत रत्न के ऐलान पर जयंत चौधरी का भी बयान सामने आ गया है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल जीत लिया, ये जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, भारत रत्न का ऐलान हुआ है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को लेकर। और ऐसे में जयंत चौधरी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है, पंकज झा। जी हाँ बिल्कुल, और यह राष्ट्रीय लोकदल की लंबे समय से मांग थी कि चौधरी चरण सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जयंत चौधरी के दादा हैं, उनको भारत रत्न दिया जाए। और जिस तरीके से ये कह सकते हैं संयोगी है कि जब भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के एक साथ आने की खबरें आ रही हैं, दोनों के बीच बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत सहमति बन चुकी है, उस वक्त चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। और सिर्फ आरएलडी की तरफ से मांग नहीं की गई थी, अखिलेश यादव ने भी ये मांग की थी, इंडिया गठबंधन के कई साथियों ने मांग की थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की है, चौधरी जयंत सिंह का भी इसमें जवाब आ गया है, तो एक मानकर चलिए कि अब दोनों के दिल भी मिले हैं जैसा कह रहे हैं जयंत चौधरी, और एक तरीके से एनडीए में एंट्री तय मानी जा रही है आरएलडी की इस बड़ी घोषणा के बाद। तो पहले खबर आ रही थी कि दल मिलने वाले हैं, और आप देखिए दिल जीत लिया, इस तरीके का ट्वीट जयंत चौधरी ने किया। बकायदा हैशटैग भारत रत्न लिखते हुए उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। आपसे कुछ मिनटों पहले ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तरफ से जो ट्वीट किया गया था, उसी पर रिस्पॉन्ड करते हुए जयंत चौधरी ने लिखा है, दिल जीत लिया, ये बड़ा ऐलान इस वक्त हुआ है। अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आनंद, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। कहा जा रहा है चूंकि 2024 का चुनाव है और आपको तमाम तरह के दलों की जरूरत है गठबंधन में शामिल होने के लिए, ऐसे में इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको समाज का हित भी देखना पड़ता है, और ऐसे में अगर इन लोगों को भारत रत्न दिया गया तो कहीं ना कहीं इनकी जो भूमिका रही है देश को बनाने में, देश को मजबूत करने में, तो वो एक क्राइटेरिया जरूर रहा है। हाँ ये जरूर है कि इस भारत रत्न के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मोदी सरकार ने, बीजेपी ने मैसेज देने की कोशिश की, और जब चुनाव का समय होता है तो सरकार की हर घोषणा पर उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। हाँ ये जरूर है कि आपने पीवी नरसिम्हा राव को दिया, आपने एमएस स्वामीनाथन को दिया, तो एक तरफ आपने उनको देखकर साउथ से जो बीजेपी का मोदी का जो कनेक्ट है मोदी सरकार का, उसको बताने की कोशिश की। चौधरी चरण सिंह को देखकर आपने एक अपने सहयोगी को और पुख्ता कर लिया, और साथ ही साथ लंबे समय से जो किसानों की मांग चली आ रही थी खासतौर से वेस्ट यूपी में, उसको भी आपने एड्रेस किया। एमएस स्वामीनाथन ने भी किसानों के लिए बहुत काम किया, कोई भी पार्टी रहे आज भी वो दावा करती है, बार बार ये मांग करती है कि एमएस स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी एमएसपी को लेकर, जिसमें कहा गया था कि जो किसानों की लागत मूल्य है उसके औसत से आधे 50% से ज़्यादा एमएसपी होनी चाहिए, सरकारों को ये देनी चाहिए, तो कोई भी पार्टी इन जो तीन नाम है इनका विरोध नहीं कर सकती। हाँ ये जरूर है कि आप उसको एक मोटिव दे सकते हो क्योंकि सामने चुनाव इसलिए किया जा रहा है। एमएस स्वामीनाथन तमिलनाडु से आते हैं, इतने बड़े कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, फसलों की पैदावार बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, साथ ही साथ उन्होंने जो ये कहा था कि जो गेहूँ और जो चावल की जो नई किस्में थी, वीट और पैडी किस्में थी, जिसके चलते पैदावार बढ़ी, पहले पैदावार ही कम होती थी, आपको याद होगा सूखा पड़ा था, लोग अन्न के लिए तरस रहे थे, तो उसके बाद एमएस स्वामीनाथन जो हरित क्रांति एक लेकर आए, तो उनको हरित क्रांति जनक माना जाता है, तो उनको अगर दिया गया तो आपने एक तरफ तमिलनाडु के साउथ के वोटर्स को भी मैसेज दिया, दूसरी तरफ किसानों को भी आपने मैसेज दिया, चौधरी चरण सिंह को आपने दिया, तो एक बड़े किसान नेता को आपने उनका जो योगदान रहा है उसके लिए उनको सम्मानित किया, दूसरी तरफ आपने वेस्ट यूपी समेत पूरे यूपी और किसान समुदाय को एक मैसेज देने की कोशिश की। इसी तरह पीवी नरसिम्हा राव को देकर भी आपने एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री को दिया है जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। सरकार का पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का फैसला लिया गया है। और इस बीच जयंत चौधरी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर।